श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध त्रयोविंशो अध्याय बल का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। इससे पूर्व के अध्याय में हमने बल के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना इसके विषय में सुना। अब आगे नारायणम नमस्कृत्य नरम चिव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महान भाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर गया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभो मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। उसी से मुझे हुआ फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यों कहते ही बल वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बल से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बल बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो विश्ववंद ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पौत्र बल के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया। फिर उन्होंने बल के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान जिसने अपना सर्वस्व समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की
यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवऋषि पितर मनु दक्ष भृगु अंगिरा सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्रछाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा शंकर सनत कुमार भृगु आदि मुनि पितर सारे भूत सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति को भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वाले के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद त्रयोविंशो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।